देखिए, पहली बात तो ये मुझे कहना है कि ये जो दिल्ली राइट में जिन लोगों को इम्प्लिकेट किया जा रहा है, जिनको मुलव्वज़ किया जा रहा है, वो सब बेगुनाह लोग हैं और उनका कोई लेना देना नहीं है राइट्स से। और जो लोग असल में ज़िम्मेदार थे राइट्स के, उनको साइडलाइन कर दिया गया, उनको उनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई। इसके पीछे दो तीन चीज़ें बहुत क्लियर हैं। पहली बात तो यह है कि CAA NRC और NPR की तहरीक में, ये तहरीक जो थी वो किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंडिविजुअल्स या चंद इंडिविजुअल्स की तहरीक नहीं थी, बल्कि एक मास मूवमेंट थी। और आप कह सकते हैं कि उसका कोई ना तो कोई मास्टरमाइंड था, ना कोई उसका प्लानर था, वो एक स्पॉन्टेनियस तहरीक थी जो पूरे मुल्क में चल सकती। अब ये दिल्ली पुलिस के ज़रिए से, और ज़ाहिर है दिल्ली पुलिस की जब हम बात करते हैं तो होम मिनिस्ट्री के ज़रिए से ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि चंद लोग थे जो उसके मेन ऑर्गेनाइज़र थे, वही उसके प्रवक्ता भी थे, वही मेन ऑर्गेनाइज़र थे, और वो चंद नाम हैं। ये इन लोगों ने ये कंस्पिरेसी की थी, प्लानिंग की थी, और उसमें उमर खालिद जो थे वो उसके सरगना थे, वो उसके लीडर थे जो उन्होंने प्लानिंग की थी। और ये तहरीक जो थी CAA NRC वगैरह की, इन्होंने ही दिल्ली में दंगे करवाए। तो ज़ाहिर है कि ये बिल्कुल फ़ाल्स नैरेटिव है, ये बिल्कुल झूठी बात है जो मंसूब की जा रही है। लेकिन साथ साथ वो लोग जो हैं वो CAA NRC और NPR की तहरीक में जो लोग सक्रिय थे, वो एक्टिव थे, उन लोगों के ख़िलाफ़ एक उनको एक तरह से वार्निंग देने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप यही करेंगे और हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे और हुकूमत के फैसलों को नाफिज़ होने से रोकेंगे तो फिर हम आपके लिए ये रास्ता अख्तियार करेंगे जो उन्होंने अख्तियार किया। तीसरी बात यह कि देखिए, जो नैरेटिव बनाया गया है और जो बात पुलिस की तरफ से आ रही है वो ये आ रही है कि सब उमर खालिद और ताहिर हुसैन और खालिद सैफी की एक मुलाकात यहाँ हुई थी शाहीन बाग में, उसी में प्लान किया गया था कि वहाँ जब ट्रंप आएंगे तो उस मौके पर ये दंगे करवाए जाएंगे। हालांकि उस वक्त तक के ट्रंप के आने का कोई ऐलान नहीं था कहीं भी। तो क्या इनको ट्रंप ने बराह रास्त खबर दे दी थी कि भाई हम आने वाले हैं फला तारीख में? चौथी बात ये कि इसके फेवर में जो एविडेंसेस पेश किए हैं पुलिस ने, एक तो ये उमर खालिद की एक तकरीर है जो महाराष्ट्र में अमरावती में की गई थी। वो तकरीर जो थी वो वेलफेयर पार्टी के एक प्रोग्राम की तकरीर थी जिसकी सदारत मैं कर रहा था। उस तकरीर को वो एविडेंस के तौर पर पेश किया। वही बात होम मिनिस्टर ने भी पार्लियामेंट में कही। आप उस पूरी तकरीर उठा कर देखिए, वो तो अब इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद है। उसमें कोई एक लफ्ज़ ऐसा नहीं है जो इनको इससे करेक्ट करता हो या जिसमें कोई भड़काऊ भाषण दिया गया। अलबत्त उसमें एक बात कोइंसिडेंटली आ गई थी कि यहाँ पे ट्रंप आने वाले हैं, तो उस मौके पर हमको ये बताना है ट्रंप को कि हमारे देश में जो इस वक्त सरकार है वो किस तरह डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। चौथी बात यह है कि इसमें उमर खालिद के ख़िलाफ़ जो FIR है, अगर आप उठाकर देखेंगे तो उसमें तकरीबन 25 के करीब दफाएँ लगाई गई हैं, और उसमें ऐसी ऐसी संगीन दफाएँ लगाई गई हैं कि आप तस्वीर भी नहीं कर सकते। मतलब उसमें UAPA तो है ही, अपार्ट फ्रॉम दैट आर्म्स एक्ट्स हैं, उसके अलावा जो है इकदाम कत्ल और कत्ल की दफाएँ हैं, सेडिशन की दफा है यानी बगावत की दफा है 124A, और भी छोटी मोटी कई दफाएँ उसमें लगाई गई। ये लगाने का एक मकसद साफ है, वो इस मकसद ये है कि दिल्ली पुलिस अच्छी तरह जानती है कि उसके पास उमर के ख़िलाफ़ कोई एविडेंस नहीं है, और वो एक तो ये काम कर रही है कि उमर के जो साथी मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रहे थे दिल्ली के अंदर, उनसे बयान ले रही है उमर के ख़िलाफ़ दबाव डाल के, हम तो कोई UAPA में बंद कर देंगे वगैरह वगैरह, कि आप कहिए कि उमर खालिद आए थे, उन्होंने भड़का भाषण दिया था फला फला। तो ये जो दफाएँ लगाई गई है इतनी सारी, वो इसीलिए लगाई गई हैं कि अगर ये जो चार्जशीट है जो दिल्ली पुलिस बना रही है, पेश कर रही है, उसके ऊपर तो फौरन ही उमर को बेल मिल जाएगी, इसलिए कि वो बिल्कुल उसके बेसबूत है, बेदम है। लेकिन जब आप ऐसे संगीन दफात लगा देते हैं, ऐसे सेंसिटिव किस्म की उसमें धाराएं लगा देते हैं, ख़तरनाक किस्म की, तो उसमें आसानी से आपको बेल मिलती नहीं। तो जितने दिन आप जेल में रहेंगे उसमें एक तरफा ही नैरेटिव चलेगा पुलिस का, जो पुलिस कहेगी वही पत्थर की लकीर की तरह पेश किया जाएगा, और उमर को काउंटर करने का कोई मौका नहीं होगा जेल के अंदर रहने की वजह से। तो ये चाहते ही हैं कि साल डेढ़ साल तक के इनका नैरेटिव चलता रहे प्रेस में, और वो ये साबित करने की कोशिश करें कि दिल्ली के दंगे जो है ये इन लोगों की प्लानिंग है। बिल्कुल एग्जैक्टली वही तरीका अख्तियार किया जा रहा है जो भीमा कोरेगांव वाले मामले में किया गया था। भीमा कोरेगांव में आप जानते हैं कि आज तक वो केस कोर्ट में
जरा पर या बहस में आ नहीं सका है। उसकी वजह यह कि हर 6 महीने बाद, हर 4 महीने बाद एक आदमी को गिरफ्तार करते हैं और फिर कहते हैं हमको सप्लीमेंट्री चार्जशीट लाना है और इनसे कुछ एविडेंस मिले हैं उस पर कार्रवाई करनी है, तो वो लिंगर ऑन हो रहा है। यही कुछ ये इस केस में भी करना चाहते हैं। देखिए, इससे एक चीज़ बहुत क्लियर कट सामने आती है, वो ये आती है कि हमारे देश में अब लोकतंत्र को जो है ये गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं और अथॉरिटेरियन रूल इस वक्त में काम कर रहा है। हमारे ख़िलाफ़ कोई भी बोलेगा, चाहे वो कितनी ही संविधानिक बात कह रहा हो, लेकिन जो हमने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, वही चलेगा। तो जो भी आदमी बोलेगा उसको हम उस पर धारा लगा के जेल में भेज देंगे। तो जो हमारे संविधान की मूल धारा है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की है, वो या डिसेंट की जो हमको आज़ादी मिली है, उस आज़ादी को कंटेन करने की कोशिश की जा रही है। और हम देख रहे हैं जब से ये हुकूमत सरकार पावर में आई है सेंटर में, उस वक्त से लगातार कॉन्स्टिट्यूशन ने जो ऐसे प्रोविजंस दिए हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, ब्यूरोक्रेसी है, आपके मीडिया है, RBI है, इलेक्शन कमीशन है, इन सब में हस्तक्षेप किया जा रहा है। यहाँ तक कि पिछले 2 साल पहले आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 4 बड़े जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी कि साहब हमको आज़ादाना फंक्शन करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो ये बिल्कुल फासिस्ट टेंडेंसी है। कोई भी फासीवादी गवर्नमेंट सबसे पहले जो काम करेगी वो काम ये करेगी कि वो इख्तलाफ राय यानी डिसेंट करने की आज़ादी को सल्व करेगी, और वही ये काम करेगी। देखिए, भारतीय राजनीति की जो दशा है वो बहुत ही मैं समझता हूँ कि इस वक्त में उसकी सांसें उखड़ रही हैं। ये जिम्मेदारी जो होती है, ये बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि अगर हुकूमत कोई ऐसा इकदाम करती है जो उनके नज़दीक गलत है या असंवैधानिक है या लोगों को दिए गए राइट्स के ख़िलाफ़ है, सबसे पहले आवाज़ अपोजिशन पार्टीज़ को उठानी चाहिए। लेकिन चूंकि अपोजिशन पार्टीज़ का मामला ऐसा है कि कहीं ना कहीं उनका पानी मर रहा होता है, किसी खेत में फंसे हुए हैं, इंडिविजुअल भी फंसे हुए हैं, उनके प्रमुख भी फंसे हुए हैं, तो ये जो सरकार है इस वक्त में ये साम दाम धन भेद वाले फार्मूले पर काम कर रही है, जिसको जैसे दबा सकते हैं। पैसा दे के किसी को खरीदा जा सकता है तो खरीदो, किसी को ED का या इनकम टैक्स का या CBI का डर दिखाकर उसके साथ मामला करो। तो ये इसके नतीजे में ये हो गया है कि आज की तारीख में पॉलिटिकल पार्टी की जो आवाज़ थी वो दब गई है, बोल ही नहीं रही, हो उनकी कोई आवाज़ ही निकल रही है। अब आप देखिए ना, CAA, NRC और NPR की जो पूरी तहरीक चली है, इतनी बड़ी मास मूवमेंट चली है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें खुलकर सामने नहीं आई मैदान में, तो एक चीज़ तो ये हुई। इसी तरह से सरकार ने बहुत सारे ऐसे फैसले किए हैं जो असंवैधानिक भी है और एंटी डेमोक्रेटिक भी फैसले हैं और पब्लिक के खिलाफ फैसले, उस पर भी कितनी आवाज़ उठी है। नोटबंदी से लेकर आज तक इतने ऐसे फैसले हुए हैं जिस पर पार्लियामेंट बहुत धीमी सी आवाज़ उठी, पूरी ताकत से इसको रोकने की कोशिश नहीं की गई। तो मैं ये समझता हूँ कि राजनीतिक पार्टी ने यहाँ के लोगों को मायूस किया है, ख़ास तौर से अपोजिशन पार्टी ने मायूस किया है लोगों को। उसने जब लोकतंत्र का गला दबाने की कोशिश की जा रही थी तो उसको आगे बढ़कर उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करना चाहिए था, मैदान में आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने वो काम नहीं किया। लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि हमारे देश के अंदर अब नौजवानों में एक जज्बा ये बेदार हुआ है आने वाली नस्ल में कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आती तो हम मैदान में आएंगे। और आपने देखा है कि ये CA की जो तहरीक थी, हिंदुस्तान की, आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख की शायद पहली तहरीक थी जो इतनी बड़ी मास मूवमेंट जो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज तरीके से चली है। अनऑर्गेनाइज से मेरी बात किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी ग्रुप ने नहीं चलाई, बल्कि लोगों ने ही खुद पूरे लीडरलेस मूवमेंट थी जो इतनी इफ़ेक्टिवली उसने काम किया। ये तो आप देखिए कोरोना के आने की वजह से ये चीज़ रुक गई है, लेकिन कम से कम हम ये कह सकते हैं कि उसने हुकूमत के मंसूबों को खासा डिले कर दिया है। जो वो NPR नाफिस करने की कोशिश कर रही थी वो अब बहुत डिले हो गए, और अब मुझे ये नहीं लगता कि ये तहरीक ख़त्म होगी। इसलिए कि ये तहरीक अगर किसी इंडिविजुअल ने शुरू की होती या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू की होती तो उसको दबाव डाल के तहरीक को रोका जा सकता था, लेकिन चूंकि ये मासेस की तहरीक थी और बिल्कुल ऐसे नौजवान जिन्होंने कभी कोई तहरीक नहीं चलाई थी, कोई तहरीक में आगे नहीं थे, ऐसी लड़कियां हमारी बच्चियां जिनका कोई ऐसा पीछे का बैकग्राउंड नहीं है, हमारी लेडीज़ 80 साल की ख्वातीन, 70 साल की ख्वातीन
जिनका कोई इस तरह कोई बैकग्राउंड नहीं था, वो जिस तरह से जिस डिटर्मिनेशन साथ में, जिस ताकत और कुव्वत साथ में मैदान में लगी रही है, उससे ये अंदाज़ा होता है कि ये तहरीक मरेगी नहीं, ये जिंदा रहेगी। ये चीज़ भारतीय राजनीति को उम्मीद देती है, लेकिन ये उम्मीद भारतीय राजनीतिक पार्टियों को नहीं देती है। ये उम्मीद देती है कि जो लोग खड़े होंगे मैदान में, वो इस मुल्क की तकदीर को बदल सकते हैं। देखिए, आपको इल्म होगा ये बात कि 2012 में इजिप्ट के अंदर जो तहरीक चली थी, वो एक लड़की ने एक फेसबुक पे मैसेज डाला था और पूरी सिविल सोसाइटी खड़ी हो गई उस साथ में, और वही सिविल सोसाइटी का खड़ा होना था कि वो टायरनिक गवर्नमेंट को उन्होंने ख़त्म किया वहाँ पर, वहाँ की जो फांसीवादी सरकार थी वो उसको अब उसका बोरिया बिस्तर लपेट दिया उस तहरीक ने। बाद में क्या वो अलग बहस है, लेकिन सिविल सोसाइटी ने तो बहरहाल अपना आंदोलन से वो काम कर दिया था। तो ये गवर्नमेंट को भी ये समझना चाहिए कि अगर वो ऐसे फैसले करेगी जो पब्लिक के खिलाफ होंगे, असंवैधानिक होंगे, पब्लिक को जो संविधान ने आज़ादियाँ दी है उसको सल्व करने की कोशिश करेंगे, कोई डिस्क्रिमिनेटरी डिसीजन लेंगे, तो उसके साथ भी वही अंजाम होगा जो अंजाम माजी में ऐसे नुकसान में होता रहा।